स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर थे मार्च 2023 के समय में, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द शहीदी दिवस के बारे में है। 23 मार्च का जो दिन है उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जो शहीदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखें कि 23 मार्च 1931 के दिन ही हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, उनको यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस है वो दे दिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा लाहौर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उन फ्रीडम फाइटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ही रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से, उनका जो सेक्रीफाइज है उसको रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा जो शहीदी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च के दिन में। स्टूडेंट्स अगर हम उस डेथ सेंटेंस का बिहाइंड का जो हिस्ट्री है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखें कि 1927 के समय में हमारे यहाँ पे जो साइमन कमीशन है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, उसको सेंड किया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा। उस साइमन कमीशन के अंदर आपको एक भी इंडियन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 1927 के समय में जो साइमन कमीशन है वो इंडिया के अंदर में सेंड किया गया। उस साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट है कम्प्लीटली जो इंडिया है उसके अंदर में कैरी आउट किया जाता है। तो पंजाब के अंदर उसका जो प्रोटेस्ट है उसको कर रहे थे लाला लाजपत राय का लीडरशिप के अंदर में। और आप देखिए कि उसी प्रोटेस्ट के दौरान उनका पुलिस एट्रोसिटीज़ के अंदर में उनका डेथ होता है। पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज है उनके अगेंस्ट में कैरी आउट किया जाता है। तो लाला लाजपत राय का जो असैसिनेशन है, जो डेथ है, उसी का यहाँ पे जो रिवेंज है उसके लेने के रिगार्डिंग में एक जो प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया गया कि जो यहाँ पे स्कॉट नाम के पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे उनका जो असैसिनेशन है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। बट आप देखिए कि वहाँ पे मिस्टेकन रूप से जो जॉन सॉन्डर्स नाम के जो पुलिस ऑफिसर है उनका वहाँ पे डेथ होता है उस प्लानिंग के अंडर में। तो इन चार्ज के अगेंस्ट में उनको यहाँ पे बेसिकली फ्रेम किया गया था। इसके अलावा 1929 के समय में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंडर भी जो भगत सिंह है, इसके अलावा बटुकेश्वर दत्त नाम के जो हमारे रिवोल्यूशनरी हैं उनके द्वारा बेसिकली जो बॉम्बिंग का जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे कैरी आउट किया गया एज ए प्रोटेस्ट के रूप में। और आप देखिए कि उन चार्जेस के अगेंस्ट में भी उनको वहाँ पे फ्रेम किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट साइमन कमीशन के बारे में, तो आपको साइमन कमीशन के भी बिहाइंड का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1919 के समय में आपको जो मोनफोर्ड रिफॉर्म है, जिसको कि हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप से भी जानते हैं, जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आते हैं 1921 के समय में, तो जो मोनफोर्ड रिफॉर्म्स है उनके अंदर प्रॉमिस किया गया था एक पॉइंट के अंदर में कि यहाँ पे 10 ईयर्स आफ्टर में एक कमीशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसे हम साइमन कमीशन के रूप से जानते हैं, जिसके अंदर इंडियंस का जो फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन है उसके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा कि फ्यूचर के समय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे स्टेब्लिश करना है या नहीं करना है, किस तरीके से पावर को डिवोल्व करना है। तो उसके बारे में कमीशन है उसको बनाया जाएगा, जिसके अंदर साइमन कमीशन है वो बनाया गया और जिसके रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी और होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी जो पार्टीज हैं जिनके द्वारा जो साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट है वो नहीं किया गया, क्या जस्टिस पार्टी के द्वारा साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया था या नहीं किया गया था, इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। एक पार्टी बेसिकली पंजाब से भी रिलेटेड है जिसके द्वारा जो यहाँ पे साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे नहीं कैरी आउट किया गया था, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखिए कि 1907 के समय इनका जो बर्थ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में पाकिस्तान में जगह है जिसको कि हम लयालपुर के नाम से जानते हैं। लयालपुर बेसिकली वहाँ पे लयाल नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा उस सिटी को वहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में उसका जो नाम है वो फैसलाबाद है। तो लयालपुर नाम का जो सिटी है उसके अंदर में एक जट बंगे नाम का विलेज है जहाँ पे इनका जो बर्थ है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
इनका जो ग्रेजुएशन के दौरान में इनके द्वारा जो नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर है उसको अटेंड किया जाता है, और उसी नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर के दौरान में आप देखिए कि इनका जो कॉन्टैक्ट है हमारे जो लाला लाजपत राय हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, इसके अलावा भाई परमानंद हैं, उनके साथ में इनका जो कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा देखिए कि इनके एक अंकल भी हैं अजीत सिंह, उनका भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर देखने के लिए मिलता है। अजीत सिंह एक रिवोल्यूशनरी पर्सन हुआ करते थे, उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें एचआरए के मेंबर के रूप में ज्वाइन करते हैं, जिसको कि सचिंदर सान्याल के द्वारा उस समय चलाया जाता था, कानपुर के अंदर में एचआरए को यहाँ पे एक जो मेंबर के रूप में इनके द्वारा ज्वाइन किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है, जो काकोरी का जो कॉन्स्पिरेसी केस है उसके अंदर फर्स्ट टाइम भगत सिंह को फ्रेम किया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। और आप देखिए कि एचआरए जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जिसको सचिंदर सान्याल चलाया करते थे, उस एचआरए के अंदर में एचएसआरए जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड किया जाएगा, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद है उनका लीडरशिप के अंदर में। तो एचएसआरए को जो यहाँ पे चेंज किया गया, दिल्ली के अंदर एक जगह है फिरोज शाह कोटला का एरिया, वहाँ पे वो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर एचआरए को एचएसआरए के अंदर में चेंज किया गया। भगत सिंह के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भी चलाया जाता था, जिसको कि हम पंजाब नवजन सभा के रूप से जानते हैं, पंजाब नौजवान सभा है, जिसके अंदर एक कीर्ति नाम का जो वीकली है वो भी उनके द्वारा चलाया जाता था, जिसके अंदर वो अपना जो मैसेज है, जो उनके थॉट्स हुआ करते थे उसको वहाँ पे डिलीवर है वो किया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा समय समय पे जो अनसंग वॉरियर्स हैं, अनसंग जो फ्रीडम हीरोज हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया है काफ़ी सारे स्पीच के अंदर में। उनके द्वारा बेसिकली जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में मेंशन किया था दुर्गा भाभी के पर्सपेक्टिव से। एक इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं वुमेन फ्रीडम फाइटर दुर्गा भाभी, तो उनके पर्सपेक्टिव से बेसिकली उन्होंने मेंशन किया था। तो आप उनके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि उनका भगत सिंह के साथ में किस तरीके से जो रिलेशन है वो देखने के लिए मिलता है, कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसके समय में उनको भगत सिंह को एस्केप करने में उनके द्वारा जो मदद है उसको कैरी आउट किया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि इनकी एक फ्रेंड हुआ करते थे जिनको कि हम भगवती चरण वोहरा के रूप से जानते हैं, जिनके द्वारा जो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब का जो बुक है उसको लिखा गया, जिससे कि यहाँ पे जो भगत सिंह है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। इसके अलावा पंजाब नवजन सभा के अंदर हमने जो कीर्ति नाम का जो यहाँ पे वीकली है वो भी चलाया करते थे भगत सिंह के द्वारा। आप देखिए कि इनका जो बुक है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द शहीदी दिवस के बारे में है और भगत सिंह के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स इनके द्वारा जो 1929 के समय में जो बॉम्बिंग का जो प्रोटेस्ट है जिसको कैरी आउट किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, तो आपको वहाँ पे उन दो एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से ऐसे दो कानून हैं जिसके अगेंस्ट में भगत सिंह के द्वारा इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। तो आप देखिए कि एक तो आपको हमारा जो पब्लिक सेफ्टी बिल है वो देखने के लिए मिलता है, पब्लिक सेफ्टी बिल है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे भगत सिंह के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स टीपू सुल्तान के बारे में है, आप देखिए कि टीपू सुल्तान बेसिकली इनके हैदर अली के जो सन है उसके रूप में ये बोर्न होते हैं, और इनके द्वारा जो मैसूर का जो एम्पायर है उसको लीड किया गया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर में, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है जिसको भी ये लीड करते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में एक ट्रीटी है जिसको वहाँ पे साइन किया गया ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा, जिसको कि हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के रूप से जानते हैं, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है उसके रूप से भी जानते हैं। और श्रीरंगपट्टनम बेसिकली इनका वहाँ पे जो कैपिटल है वो हुआ करता था, टीपू का कैपिटल हुआ करता था मैसूर का उस समय में। तो स्टूडेंट टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है जिसको पब्लिश किया गया था, जेएनयू के एक राइटर हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो इसी वजह से हम यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है जिसको इनके द्वारा डील किया गया। अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, तो आप देखिए कि हैदर अली नाम के जो पर्सन है, जो बेसिकली वोडियार नाम का जो हिंदू डायनेस्टी हुआ करता था मैसूर के अंदर में उस समय में, तो वोडियार डायनेस्टी के अंदर एक सैनिक के रूप में हुआ करते थे हैदर अली, बाद में वो रैंक के अंदर में इम्प्रूव करेंगे और वहाँ पे जो पावर है उसको टेक ओवर कराया जाएगा हैदर अली के द्वारा। हैदर अली के द्वारा 1966 से लेकर 1989 के 1966 से लेकर 69 के समय फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है उसको लीड किया गया। आप देखिए कि यहाँ पे जो सॉरी 19 नहीं है स्टूडेंट, सॉरी सॉरी ये 17 होगा, 1769 से लेकर, और आपको जो 1766 से लेकर 1769 के समय में लीड किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे
हैदर अली के बारे में, तो उनके सॉरी टीपू सुल्तान के बारे में, तो उनके द्वारा काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी कैरी आउट किया गया था। आप देखिए कि जो फ्रेंच अथॉरिटीज हुआ करती थी उनसे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। इनके द्वारा जो न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट किया गया, जो लूनी सोलार कैलेंडर सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया, और मैसूर के अंदर में जो बेसिकली सिल्क इंडस्ट्री है उसको न्यू हाइट के अंदर में अप्रोच करते हैं। वो न्यू हाइट के रिगार्डिंग में जो रिफॉर्म्स है इनके द्वारा कैरी आउट किए गए थे टीपू सुल्तान के द्वारा। इनके द्वारा जो फ्रेंच का जो मिलिट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अडॉप्ट किया गया। फ्रेंच के काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंस है उसको आपको आर्मी के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो शारदा टेम्पल है उसके रिगार्डिंग में जो डोनेशन है वो भी टीपू सुल्तान के द्वारा दिया गया था, तो उसके रिगार्डिंग में भी हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो बुक है उसके अंदर में मेंशन किया गया है कि इनके द्वारा जो बेसिकली कहाँ पे जो फंडिंग है उसको कैरी आउट किया गया था टीपू सुल्तान के बारे में। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारा जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग में आपको कर्नाटक का जो रीजन है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है उसका जो रोल है वो एंड होता है 1799 के समय में, तो आप देखिए कि 1799 के समय में वहाँ पे जो वाडियार डायनेस्टी है उसको ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा फिर से वहाँ पे स्टेब्लिश किया जाएगा, और ट्रीटी ऑफ जो सब्सिडरी अलायंस है उसको वहाँ पे साइन कर लिया जाएगा उस समय में जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टीपू सुल्तान। फ्रेंच जो रिवोल्यूशन है उसका जो इम्पैक्ट है इनके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप देखिए कि इनके द्वारा जो जैकोबिन क्लब है उसको भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। जैकोबिन क्लब के मेंबर के रूप में ये इस्टेब्लिश होते हैं, और ट्री ऑफ लिबर्टी को यहाँ भी इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा अपना जो मैसूर का जो किंगडम है उसके अंदर में। नेक्स्ट इज अबाउट द वैकोम सत्याग्रह के बारे में है। आप देखिए कि इसके जो 100 ईयर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं वैकोम सत्याग्रह की, क्योंकि 1929 के समय में 1924 के समय में इसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया था। हमारा जो प्रेजेंट समय में जो केरल का जो रीजन है, त्रावणकोर का जो रीजन है, उस रीजन के अंदर में अगर हम इस वैकोम सत्याग्रह का बिहाइंड का जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करें, तो आप देखिए कि 1917 के समय ही उस समय में जो इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे टीके माधवन, उनके द्वारा अपने जो एडिटोरियल्स हैं उनके अंदर में लिखा गया था कि वहाँ पे जो कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैरी आउट किया गया है वैकोम के रीजन में। जो महादेव टेम्पल है उसके अंदर में यहाँ पे बेसिकली कुछ कास्ट हैं जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको टेम्पल के अंदर जो एंट्री है वो नहीं दी जाती थी उस समय में, तो उसी के रिगार्डिंग में इस मूवमेंट को कैरी आउट किया गया। कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको टेम्पल के अंदर जो एंट्री है वो क्यों नहीं दिया गया है, आप देखिए कि टेम्पल के अंदर ही एंट्री नहीं, आसपास का जो 3-4 रोड्स है वहाँ पे भी उनका जो एंट्री है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसी के रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है उसको लीड करते हैं टेके माधवन नाम के जो पर्सन है, के पी केसावा है, इनके केलापम जिनको केरल का जो गांधी है उसके रूप से भी हम जानते हैं। आप देखिए कि गांधी के द्वारा जब साल्ट मार्च है उसको निकाला गया, तो इनके द्वारा भी वहाँ पे मालाबार का रीजन के अंदर में एक सोल्ट मार्च है उसको कैरी आउट किया गया था के केलापम के द्वारा, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स 1923 के समय जो कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ उस कांग्रेस के सेशन के अंदर भी अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग में जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। बट आप देखिए कि उसके बाद में जो मूवमेंट है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया गया। इसी मूवमेंट के रिगार्डिंग में 1927 के समय में इनके द्वारा टी के माधवन के द्वारा देशाभिमानी नाम का जो बेसिकली न्यूज़पेपर है उसके अंदर में एडिटोरियल है वो लिखा गया था इस डिस्क्रिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से। जब मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1924 के समय में, तो उस मूवमेंट को लीड करने के रिगार्डिंग में जो तमिल का जो रीजन है ईवी रामास्वामी है, पेरियार ईवी रामास्वामी है, उनको बुलाया जाता है, वो एजिटेशन को वहाँ पे लीड करते हैं। आप देखिए कि 1925 के समय में सी राजगोपालाचारी के साथ में जो गांधी जी हैं वो भी वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो कास्ट लीडर्स हैं उनके साथ में उनका जो मीटिंग है जो डिस्कशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। और आप देखिए कि 1925 के समय में इस मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, वहाँ पे जो डिस्कशन है वो कम्प्लीटली जो कंसल्टेशन के अंदर में कैरी आउट किया गया। उस समय में जो वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज हुआ करते थे WS पिट नाम के जो पर्सन हैं, इसके अलावा गांधी जी के बीच में कंसल्टेशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। उसके बाद में जो मूवमेंट है उसका विड्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा 1925 के समय में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उसी 1925 के अंदर मूवमेंट को जब विड्रॉ किया गया, तो उसके बाद में आपको गांधी जी और ईवी रामास्वामी हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा, उनका जो डिफरेंसेस है जो विचारों का जो डिफरेंसेस है वो उस समय में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ईवी रामास्वामी के बारे में अगर हम बात करें तो द्रविडियन सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे,
इनके द्वारा जो वैकोम सत्याग्रह है उसको लीड किया गया था, जिसके अंदर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है टेम्पल एंट्री के रिगार्डिंग में, जिसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके, उसका जो मार्च है इनके द्वारा त्रावणकोर का जो रीजन है उसके अंदर में निकाला गया वैकोम सत्याग्रह है। इनके द्वारा लेटर फॉर्म के अंदर में 1925 के समय में जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है उसको भी लीड किया गया था स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि इनके द्वारा ही जो जस्टिस पार्टी हुआ करती थी अर्लियर समय में, उसका जो नेम चेंज करते हुए एक पार्टी है उसको भी इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। आज भी आपको जो तमिलनाडु का जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इनका जो लेगेसी है वो देखने के लिए मिलता है, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जो प्रेजेंट समय में तमिलनाडु का जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने वैकोम सत्याग्रह के बारे में बात किया, तो आपको जो डिफरेंट डिफरेंट सत्याग्रह हैं जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में कैरी आउट किए गए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फ्रेमर हैं, जिनके द्वारा बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको लीड किया गया था, तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भी एक मूवमेंट है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा कैरी आउट किया गया था कि सबको यहाँ पे जो पब्लिक वोल है जो पब्लिक कुआ है उसके अंदर में सभी को इक्वल वे में जो ट्रीट है वो किया जा सके, वोटर का जो विड्रोवल है वोटर का जो निकालने के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट है तो उसके बारे में आप रीड करना जरूर से, कौन कौन से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है जो आपको देखने के लिए मिले हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उस एरा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मौलाना आजाद के परस्पेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, और 11 नवंबर का जो दिन है उसको एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इन्हीं का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको वहाँ पे। तो मौलाना आज़ाद की रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है जिसको यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसको यहाँ पे पब्लिश किया गया था, तो बेसिकली वो पर्सन है जिनके द्वारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। इवन 1912 के समय में इनके द्वारा इनका जो न्यूज़पेपर है अल हिलाल नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया कि यूनिटी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली जो टू स्टेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया का पार्टीशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी ये सपोर्ट नहीं किया गया था मौलाना आज़ाद के द्वारा। हम इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, और आप देखिए कि इनका एजुकेशन के अंदर इम्पोर्टेंस है। जो प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में हम रीड करते हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी है, इंडियन कल्चरल जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ICCR नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। इन सभी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी आपको मौलाना आज़ाद के द्वारा ही किया गया था। इंडिया का जो कल्चरल आउटरीच है उसको इंक्रीज करने के परस्पेक्टिव से इंस्टीट्यूशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ललित कला अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी है, इन सभी का इस्टेब्लिशमेंट इस वजह से किया गया कि हमारा जो हर एक सेक्टर है जिसके अंदर आर्ट के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वो होने चाहिए, जो मौलाना आज़ाद के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए थे इनका जो एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है उस दौरान में। आप देखिए कि जो खिलाफत मूवमेंट है उसको ये ज्वाइन करते हैं, इनके द्वारा सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट है उसको भी ज्वाइन किया गया, और जो दर्शना सोल्ट रिवोल्ट है जो गांधी जी का जो डांडी मार्च है उसके बाद में अलग अलग समय में निकाला गया था जिसमें सरोजनी नायडू भी हैं, तो मौलाना आज़ाद के द्वारा भी उस मार्च को यहाँ पे लीड किया गया था। आप देखिए कि अल हिलाल नाम का जो न्यूज़पेपर है जिसके अंदर 1912 के समय में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में लिखा करते थे, पार्टीशन का इनके द्वारा अपोज किया गया था लेटर फेज के अंदर में जो 1945-46 का जो एरा है उस समय में। तो जब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रिगार्डिंग में जब इनके द्वारा लिखा गया है, एडिटोरियल्स हैं काफ़ी सारी न्यूज हैं अली हिलाल के अंदर में, तो उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा बैन कर दिया गया था। बाद में इनके द्वारा एक दूसरा न्यूज़पेपर है जिसको स्टार्ट किया गया, उसके अंदर भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको प्रमोट किया था, तो उसको भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा बैन कर दिया गया था। तो आपको जो सेकेंड न्यूज़पेपर है, क्या वो अल बिलाल नाम से न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, आप उसके बारे में रीड जरूर से करना। तो अल हिलाल नाम का जो न्यूज़पेपर है जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा बाद में जो बैन है वो भी किया गया था मौलाना आज़ाद के रिगार्डिंग में। इनका जो फेलोशिप है वो प्रेजेंट समय में चलाया जाता है उसके रिगार्डिंग में भी एक न्यूज़ है जिसको मेंशन किया गया था मार्च का जो मंथ है उसी समय में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फर्ड पेंटिंग के बारे में है। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के अंदर ही एक इनिशिएटिव है जिसके बारे में मेंशन किया गया कि फर्ड से बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ाई है उसको कैरी आउट करना है। आप देखिए कि जो COVID-19 का जो समय है, COVID-19 का समय है उस समय में जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज हैं वो भी यहाँ पे डिलीवर किए गए थे, स्पेशली जो राजस्थान है दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पे
फड़ पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ये फड़ पेंटिंग क्या है बेसिकली? यह इसको एक कॉटन का एक क्लॉथ है जिसके ऊपर बनाया जाता है, और क्लॉथ को हम फड़ के रूप से जानते हैं। और राजस्थान के अंदर इस पेंटिंग का जो ओरिजिन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के अंदर जो भीलवाड़ा का जो रीजन है, जो सदर्न राजस्थान के अंदर में राजस्थान का जो टेक्सटाइल सिटी के रूप से भी हम इसको जानते हैं, भीलवाड़ा को। तो आप देखें कि भीलवाड़ा के अंदर में जो फड़ पेंटिंग है उसका आपको जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है। रिलीजियस नेचर के अंदर ये पेंटिंग होती है, वहाँ के जो लोकल डिटीज हैं जिसके अंदर पाबू जी हैं, देवनारायण जी हैं, उनका यहाँ पे जो ड्रॉइंग है वो इस पेंटिंग के अंदर में कैरी आउट किया जाता है। फड़ की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसके ऊपर इस पेंटिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी सारा जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोरीज हैं उनको बताया जाता है। और आप देखिए कि इस पेंटिंग का जो यूज है, COVID-19 के समय में मास्क का जो इम्पोर्टेंस है, सैनिटाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी के बारे में बताया गया था इस COVID-19 के समय इस पेंटिंग के थ्रू में। आप देखिए कि वेजिटेबल जो कलर्स हैं उनको यूज किया जाता है, और आपको इंडिया का जो डिफरेंट डिफरेंट जो फोक पेंटिंग्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फोक पेंटिंग्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जरूर जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें मधुबनी का जो पेंटिंग है वो कहाँ पे किया जाता है, कालमकारी कहाँ पे है, पटवा नाम का जो पेंटिंग है वो कहाँ पे है, मैथकर कहाँ पे है, इन पेंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आपको गुजरात और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी आपको एक पेंटिंग देखने के लिए मिलती है जिसको कि हम वर्लिंग पेंटिंग के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि वर्ली पेंटिंग के अंदर क्या स्पेशल बात है, एक तो आपको वहाँ पे जो ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंस हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्किल है, उन सभी का जो यूज है वो वर्ली पेंटिंग के अंदर में किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट फड़ पेंटिंग के बारे में, राजस्थान का जो बेसिकली भीलवाड़ा का जो रीजन है जिसको कि टेक्सटाइल सिटी के रूप से भी हम जानते हैं राजस्थान के अंदर में, तो आप देखिए कि उस फड़ पेंटिंग का ओरिजिन वहां से देखने के लिए मिलता है। क्लॉथ का जो पीस है जिसको हम फड़ के रूप से जानते हैं, जिसके ऊपर इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और इस पेंटिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि इसके रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव है कि फड़ से बेसिकली जो पढ़ाई है उसका एक इनिशिएटिव न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था, इस वजह से इस पेंटिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तिवा नाम का जो ट्राइब है उसके बारे में है, आप देखिए कि मार्च के मंथ के समय में काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो जिसके अंदर एक ट्राइब है तिवा, आसाम और मेघालय के अंदर में जो इसका प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स आसाम के अंदर में जो तिवा नाम का ट्राइब है उसको जो एसटी का जो स्टेटस है वो दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया गया है। इनके द्वारा जो काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको मनाया जाता है, और इस तरीके का जो हेड गियर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा तिवा ट्राइब के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यांगिल नाम का जो फेस्टिवल है, यांगिल नाम का जो फेस्टिवल है वो इन्हीं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है तिवा ट्राइब के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हेड गियर के बारे में, तो साकर साता नाम का जो हेड गियर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि सोकरा मिसावा नाम का जो फेस्टिवल है वो भी इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक इकोनॉमी का जो रोल है वो प्ले करेगा यहाँ पे तिवा ट्राइब के पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स इनके द्वारा जो झूम कल्टिवेशन है, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, उसको भी कैरी आउट किया जाएगा आसाम और मेघालय का जो रीजन है उसके अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द तिवा ट्राइब के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मतवा कम्युनिटी के बारे में है, आप देखिए कि मतवा कम्युनिटी बेसिकली वैष्णविज्म का ही आपको एक सेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हरिचंद ठाकुर नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली हमारे पीएम सर के द्वारा मतवा कम्युनिटी है उसके बारे में मेंशन किया गया है, जिसका जो प्रेजेंट प्रेजेंस है आपको कहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो रीजन है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें स्टूडेंट, बिफोर द इंडिपेंडेंस इसको इस्टेब्लिश किया गया था मतवा कम्युनिटी को, किसके द्वारा? श्री हरिचंद जो ठाकुर नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। ऐसे लोग जिनको उस समय में जो इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो नहीं हुआ करता था, उन सभी लोगों को मतवा कम्युनिटी के अंदर में श्री हरिचंद ठाकुर जी के द्वारा वहाँ पे ऐड किया गया था। वो वैष्णव के एक के जो सेक्ट है, मतवा कम्युनिटी का जो सेक्ट है उसके फाउंडर हैं। तो उसी मतवा कम्युनिटी के द्वारा जो मतवा मेला है, महामेला है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। अगर हम मतवा मेला के अंदर पीएम सर के द्वारा कहा गया कि आप वहाँ पे विजिट जरूर कीजिए अगर आप बंगाल के रीजन से वहाँ पे बिलोंग करते हो। आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर इस कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया था हरिचंद ठाकुर जी के द्वारा, बाद में ये माइग्रेट करके इंडिया के अंदर में सेटल होते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस के अंदर में। अगर हम इस मतवा कम्युनिटी के बारे में बात करें तो एक आपको क्लासलेस एंड कास्टलेस जो सोसाइटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है मतवा कम्युनिटी।
वैष्णव का ही एक सेक्ट है जिसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, कौन इसके फाउंडर हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2023 के समय जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए, उस ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको कि वहाँ पे ऑस्कर अवार्ड है वो दिया गया था, जिस डॉक्यूमेंट्री को हम एलिफेंट विस्पर है उसके रूप से जानते हैं, कि एलिफेंट को किस तरीके से कुछ पर्सन है, एक बेसिकली कपल्स हैं, उनके द्वारा किस तरीके से उनका जो प्रोटेक्शन है उसको किस तरीके से पेम्परिंग है वो कैरी आउट किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्राइब है जिसके बारे में मेंशन किया गया है जिसको कि हम कट्टू नायकान के नाम से जानते हैं। आप देखिए कट्टू नायकान बेसिकली एक पीवीटीजी का जो स्टेटस है उनको दिया गया है, पीवीटीजी का स्टेटस इनको दिया गया है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। टोटल इंडिया के अंदर 75 पीवीटीजी हैं वो हुआ करती हैं, और उसी ट्राइबल कम्युनिटी के जो रिलेटेड पर्सन है वो इस एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर उनको दिखाया गया, और इनके जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है उनको बताया गया है कि कैसे इनके द्वारा यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनका जो कंजर्वेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। कट्टू नायकान ट्राइब के बारे में बात करें तो आप देखिए कि पीवीटीजी इनको स्टेटस है, इंडिया के अंदर टोटल 75 ट्राइब्स हैं जिनको पीवीटीजी का स्टेटस है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं वो कौन से स्टेट के अंदर पाई जाती हैं स्टूडेंट्स, उड़ीसा के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। सेकेंड नंबर पे आप देखिए कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके अंदर पे सेकेंड नंबर पे जो आपको जो पीवीटीजीज हैं वो देखने के लिए मिलेगी। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीवीटीजी। कट्टू नायकान ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करें जो तमिलनाडु एंड केरल का जो रीजन है उसके अंदर इनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पीवीटीजी का इनको स्टेटस है, टोटल 75 ट्राइब्स हैं, इनके द्वारा कौन सा जो लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता है इसके बारे में आप जरूर से रीड करना, क्या इनको द्रविड़ियन लैंग्वेज है वो यूज किया जाता है या इनके द्वारा कोई डिफरेंट लैंग्वेज को यूज किया जाता है। हमारे एग्जाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन है हो सकता है ट्राइब के रिगार्डिंग में पूछ लिया जाए, आपको यहाँ पे जो एलिफेंट विस्पर का जो डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में पूछ लिया जाए कि एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री के अंदर में दिस ट्राइब इज मेंशन, हो सकता है कि यहाँ पे जो नाम है उसको इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तिवा जो ट्राइब है उसका जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है उसको बताया गया है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तिवा ट्राइब आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में देखने के लिए मिलती है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ टेम्पल्स हैं जो न्यूज के अंदर में थे मार्च 2023 के समय में, जिनको बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन किया गया था, ऐसा कोई जो एक्सप्लेनेशन है या आर्टिकल है वो उनके रिगार्डिंग में पब्लिश नहीं हुआ। फर्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 12th सेंचुरी के समय में अंगोरकोर वाट नाम का एक जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलता है कम्बोडिया के अंदर में। अगर हम अंगोर वाट टेम्पल के बारे में बात करें तो कम्हेर नाम के एक पर्सन है, सूर्यवर्मन सेकेंड नाम के जो उनके किंग हैं, कम्हेर जो डायनेस्टी है उसके बेसिकली एक किंग है सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इस वैष्णव जो टेम्पल है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। लेटर फॉर्म में आप देखें कि इस कम्बोडिया के अंदर इस टेम्पल को बुद्धिस्ट टेम्पल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस टेम्पल का जो रिस्टोरेशन प्रोसेस है उसके अंदर कंटिन्यूस एंगेज है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस अंकोर वाट जो टेम्पल है उसको कम्बोडिया के अंदर जो रिस्टोर है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अष्टामुडी के अंदर में बेसिकली एक जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है, अष्टामुडी जो कि केरल के अंदर एक लेक है, तो अष्टामुडी के ही रिगार्डिंग में यहाँ पे एक चैरियट है जिसको बताया गया है कि उस टेम्पल के परस्पेक्टिव से जो चैरियट है उसको लेके गए हैं। तो हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है बट अष्टामुडी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से वहाँ पे एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स केरल के अंदर एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कि हम ओणम का जो फेस्टिवल है उसके रूप से जानते हैं। आप देखिए ओणम के फेस्टिवल के बाद में वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर में काफ़ी कुछ जो सेलिब्रेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी जगह जो वहाँ पे टाइगर का जो मास्क है वो लगाया जाएगा वहाँ पे कुछ पर्सनस के द्वारा, उसको वहाँ पे एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाएगा। अगस्त के समय जो न्यूज़पेपर के अंदर वो मेंशन होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, कौन से एरियाज के अंदर में जो टाइगर का मास का जो डांस है उसको कैरी आउट किया जाता है उसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। और उस ओणम के फेस्टिवल के बाद में जो वहाँ पे जो नेहरू ट्रॉफी के रिगार्डिंग में जो एक स्नेक रेस है उसका भी जो स्नेक बोट है उसका भी रेस है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है उस रीजन के अंदर में। स्टूडेंट्स मार्च के समय में कुछ टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यूअस रिपीटेड वे में मेंशन किया गया, जिसको कि ऑलरेडी हमने जनवरी एंड फरवरी का जो मंथ है उस समय में उसको रीड किया था। आप देखिए कि अडोप्टिव हेरिटेज नाम का जो कॉन्सेप्ट है, अडोप्टिव हेरिटेज जिसको कि हम मोन्यूमेंट मित्रा का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूप से भी जानते हैं। अब ये क्या है अडोप्टिव हेरिटेज, हमारी जो पीएसयूज हैं
हमारी पीएसयूज के अलावा आप देखिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे एक हेरिटेज इंस्टीट्यूशन है, जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। और आप देखिए कि उस प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, जो पीएसयू है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हेरिटेज बिल्डिंग को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना समय समय पे। इसके अंदर इनिशियल समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उससे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ये यहाँ पे जो स्कीम है उसको ट्रांसफर किया गया है, जिससे कि उनके द्वारा बेटर वे में उसको प्रोटेक्ट है, कंजर्व है, उसको कैरी आउट किया जा सके। सीएसआर का जो फंड है उसको भी अलोकेट करने के बारे में बात की है, उस हेरिटेज प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के ही रिगार्डिंग में। स्टूडेंट, G20 का उस समय मीटिंग है वो चल रहा था इंडिया के अंदर में, तो आप देखें कि G20 का जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था, खजुराहो के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में एक बेसिकली आर्टिफैक्ट्स है उसके बारे में बताया गया है, जिसका दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन है, दिल्ली के अंदर जो शो है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। आसाम का हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन से फर्स्ट जो बेसिकली यहाँ पे जो साइट है जिसको कि यूनेस्को हेरिटेज के रूप में नॉमिनेट करने के बारे में डिस्कस किया गया था जनवरी के समय में। आप देखिए कि अहोम नाम का जो किंगडम हुआ करता था उसके अंदर में उनके जो ब्यूरियल्स हैं, जिसको कि हम बेसिकली यहाँ पे चराइदों मैदान के नाम से जानते हैं, जिनको यूनेस्को के अंदर में यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। तो यूनेस्को का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ये फिल करता है। आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे अहोम किंगडम की रिगार्डिंग में जो सेक्रेट जो ब्यूरियल्स हैं उनको यहाँ पे दफनाया गया है, उसी के रिगार्डिंग में इसको शो किया जाता है। डबल डोम स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी, मिडिल पार्ट के अंदर में जो ब्यूरियल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अहोम एम्पायर के बारे में बात करें तो आपको 13 सेंचुरी के समय में जो यहाँ पे म्यांमार से पटकाई हिल्स का जो रीजन है वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, और इनके द्वारा वहाँ पे सुयोंग फोकान नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए कि अहोम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बर्मा और जो ब्रिटिश का जो बेसिकली एक वॉर है वो देखने के लिए मिलता है, और उसी के फर्स्ट ट्रीटी के थ्रू जो अहोम एम्पायर है उसको बेसिकली सेग्रीगेट किया गया। आप देखिए कि एक अहोम रिवोल्ट भी है जिसके अंदर गोमदर कोवर नाम के जो पर्सन है वो लीड करते हैं अहोम रिवोल्ट के अंदर में, तो उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिन जिन के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, जो सेक्रेट रेलिक्स हैं उनके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एंटिक्स हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्च के परस्पेक्टिव से जो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आप इसको रीड कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखे उसको नोट डाउन जरूर, इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्च के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।